बिहार विधानसभा 103 सुरक्षित से भोरे में चुनावी सभा को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और जनता से एनडीए के प्रत्याशी सुनील कुमार को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की एवं सभा में उपस्थित कार्यकारी अध्यक्ष जदयू अशोक चौधरी बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे कुचायकोट विधानसभा 102 एवं सांसद आलोक कुमार एनडीए के जिला अध्यक्ष एवं प्रखंड उपाध्यक्षों की उपस्थिति में सुनील कुमार को भारी मतों से विजयी बनाने की आग्रह की गई। गोपालगंज से राव जेएस त्रिवेदी की जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल जी, संचालनकर्ता श्री जितेंद्र द्विवेदी जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जनता दल यूनाइटेड के सुयोग्य उम्मीदवार श्री सुनील कुमार जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक और कुचायकोट से एनडीए और जनता दल यू के उम्मीदवार श्री अमरेंद्र पांडे जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, हमारे गोपालगंज के माननीय सांसद भाई डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, गोपालगंज जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार सिंह जी, गोपालगंज जिला विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष श्री विनोद सहनी जी, गोपालगंज जनता दल यू के जिला संगठन प्रभारी राजन मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री विवेकानंद पांडे जी, भोरे प्रखंड के जदयू अध्यक्ष बिंद सिंह जी, कटैया के प्रखंड अध्यक्ष नंदलाल मौर्या जी, विजयपुर के प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र राय जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री सोनूलाल श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के भोरे मंडल अध्यक्ष संतोष कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री कृष्णनंदन मिश्रा जी, शैलेश द्विवेदी जी, रत्नेश राय जी, संजय शाह जी, श्री प्रकाश मिश्रा जी, जनता दल यू के नेतागण श्री मुन्ना पटेल जी, बबलू पटेल जी, कमलेश कुशवाहा जी, रितेश राय जी, टुनटुन गुप्ता जी, मृगु आश्रम सिंह कुशवाहा जी और एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले इस गर्मी के बावजूद और धूप को बर्दाश्त करते हुए आप सब इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबको धन्यवाद मैं देता हूं। आप जानते हैं कोरोना वायरस का दौर पूरे दुनिया में चल रहा है, जहां कुछ घट